हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वनीला आइसक्रीम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है कंडेंस मिल्क और होममेड कंडेंस मिल्क है मेरा, और ये है वनीला एसेंस, और जो यहाँ पे कुछ बादाम हमने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है, और ये है क्रीम। तो ये इजीली सब कुछ मार्केट में मिल जाता है, और जो घर पे भी बादाम वगैरह तो पड़ा ही रहता है। तो एक बॉल में हमने लिया है आइस, और इसमें इसके ऊपर दूसरा बॉल मैं रख दूँगी, उसमें क्रीम ले लूँगी और एक हैंड ब्लेंडर से इसे बीप करेंगे, और इसे 7 से 10 मिनट तक हमें करना है, 8 से 10 मिनट तक बीप करना है हमें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो चुका है और ये होने वाला है, तो 1-2 मिनट और करूँगी मैं। और जो इस तरीके से आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी में भी इसे व्हिप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके का हमें चाहिए। तो अब चलिए इसमें ऐड कर देते हैं वनीला एसेंस, और ये 1/4 टेबल स्पून हमें ऐड करना है। तो इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करना, नहीं तो इसका ही फ्लेवर ज़्यादा ही कड़वा सा आने लगेगा, इसलिए हमें हिसाब से ऐड करना है। और इसमें एक कटोरी क्रीम है, तो इसमें आधी कटोरी मैं ऐड कर दूँगी कंडेंस मिल्क। यदि आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो और कंडेंस मिल्क का मात्रा बढ़ा सकते हैं। और ये तीनों चीज़ों को मैं अच्छा से मिक्स कर लूँगी चलाते हुए, और जो आप देख सकते हैं इसे 3 से 4 मिनट तक हमने चलाया है और अच्छा से मिक्स हो चुका है। तो चलिए इसे एक कंटेनर में डालते हैं। तो इस तरीके का एक कंटेनर में लूँगी, और जो इसमें मैं इस फिश को डाल दूँगी इस तरीके से, और जो तो आप देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिया है। आप कोई सा भी इस तरीके का कंटेनर ले सकते हैं, और इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं बादाम डाल दूँगी इस तरीके से। आप यहाँ पे चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, या कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो ये देखिए, आप मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिया है, और इस तरीके से एक फॉइल लूँगी मैं और इसे कवर कर दूँगी। और इसे इसलिए कवर करना है ताकि इस पर आइस ना जमे आइसक्रीम के अंदर, बस इस वजह से। तो इस तरीके से हम चारों तरफ से कवर कर देंगे, और उसके बाद से ढक्कन लगा देंगे इसका। तो आप देख सकते हैं कवर हो चुका है, अब मैंने ढक्कन लगा दिया है, और इसे मैं 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 8 से 10 घंटे हो चुका है, तो चलिए चेक कर लेते हैं आइसक्रीम को। तो कवर हटा के और देख रहे हैं, और जो देखिए ये चेक भी कर रही हूँ, बिल्कुल जम चुका है, बहुत अच्छा तैयार है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। तो एक स्पून से या आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बिल्कुल जम चुका है, और बहुत ही अच्छा बना है। तो आप देख सकते हैं, और बहुत इजी है इसे बनाना, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इस पे चोको चिप्स या वही बादाम से हम ऊपर से गार्निश कर देंगे, और ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और हमें ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।